नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान विकास केंद्र में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे फरवरी माह में होने वाली खेती के बारे में। इस फरवरी माह में कौन कौन सी सब्जियों को लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे बात पहले बात कर लेते हैं खेत की तैयारी के बारे में। तो हम कोई सी भी फसल लगाएँ तो हमको खेत की तैयारी करनी है, जो वो कल्टीवेटर 2 बार चलवाना है, उसके बाद फरवरी बारह अंतों को चलवाना है रोटोवेटर को, जिससे खेत में भी डीमा नहीं रहना चाहिए, भुरभुरी हो जाए पूरी मिट्टी। और उसके बाद हमें 2 ट्राली गोबर की खाद और 50 kg SSP सिंगल सुपर फास्फेट, उसके बाद 45 kg यूरिया, ये सब तीनों को मिलाकर पूरे खेत में छकवाना है। उसके बाद मेड़ा विधि से हम खेती करेंगे तो मेड़ा बनवाएं, मेड़े की जो दूरी है वो करीब रखें 4 फिट और मेड़े की चौड़ाई रखें 2 फिट और ऊँचाई रखें 1 फिट। आइए अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं वो जिनका फरवरी में लगभग बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आती है भिंडी, भिंडी की खेती कर सकते हैं। भिंडी में वैरायटी ले लेते हैं तो सबसे अच्छी प्रचलित में वैरायटी मानी जाती है वो राधिका आती है, राधिका के नाम से। ये वैरायटी बहुत प्रचलित है और ज़्यादा उपज देने वाली है और सभी टेम्परेचर और वातावरण में यह सूटेबल है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, तो हम इसको इसी की आपको सजेस्ट करेंगे तो इसी का बुआई करें। उसके बाद बात करते हैं खीरा की खेती के बारे में। तो खीरा की खेती भी हम फरवरी माह में कर सकते हैं। यह करीब 3 महीने की फसल है, 3 से 3.5 महीने चलती ही है और 45 से 50 दिन में यह उपज देना चालू करती थी। पहली तुड़ाई चालू हो जाती है इसमें, यानी आमदनी इसमें 45 से 50 दिन रुपये आमदनी चालू हो जाती है। तो खीरा की खेती कर सकते हैं। उसके बाद आती है गंवारफली। दोस्तों, गंवारफली भी हम फरवरी माह में लगा सकते हैं और इसकी उपज है जो वो भी 30 से 35 दिन में चालू हो जाती है हार्वेस्ट, पहली हार्वेस्टिंग। और यह रेट इसका हाई रहता है मार्केट में, क्योंकि यह बहुत कमी जगह पर लगाई जाती है और कुछ किसान भाई इसको बहुत कमी मात्रा में लगाते हैं, सभी लोग नहीं लगाते हैं, तो इसको लगा सकते हैं और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं लौकी की खेती के बारे में। फरवरी माह में हम लौकी की भी खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती के लिए हमें करीब 80 से 100 ग्राम बीज एक एकड़ में करीब 250 ग्राम बीज लगेगा यह लौकी का। और इसमें जो बेस्ट किस्में रहती हैं वो एक तो महको प्राइवेट लिमिटेड की आती है महको के नाम से और BSF की आती है अनु की। ये 2 वेरायटी बहुत बेस्ट वेरायटी हमें ज़्यादा उपज देती हैं, हम इनको रिकमेंडेड करेंगे आपके लिए। बहुत अच्छी वेरायटी है ये, आप लगाएंगे तो ये वेरायटी बाकी में अच्छा उपज देगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनमें अच्छी है और सभी क्लाइमेट में यह सूटेबल है। आइए आप इसके बाद बात करते हैं मिर्च की खेती के बारे में। मिर्च की खेती में फरवरी माह में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं फरवरी माह में मिर्च की खेती करके। मिर्च की खेती के बाद आती है तुरई की खेती। तुरई की खेती भी हम फरवरी माह में कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वेरायटी, चयनित वेरायटी है तुरई की, क्योंकि ये ज़्यादा उपज देने वाली है और करीब 45 से 50 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग इसमें चालू हो जाती है और 3.5 महीने की टोटल फसल रहती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कद्दू की खेती के बारे में। कद्दू की खेती भी हम फरवरी माह में कर सकते हैं। इसके बाद है धनिया की खेती। धनिया की खेती हम फरवरी माह में कर सकते हैं। इसके बाद है पालक की खेती। पालक की खेती भी हम फरवरी माह में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये कुछ चयनित सब्जियाँ हैं जो फरवरी माह में कर सकते हैं और आप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये थी जानकारी फरवरी माह में सब्जियों के बारे में। तो जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।